ब्राजील से घरेलू मैदान पर हारने के बाद गैरेथ साउथगेट की टीम में फेरबल मिश्रित रहा है। उन्होंने आगे तो वाला दिखाया लेकिन पीछे से कमजोरी दिखाई, जिसे बेलिंगम के नाटकीय हस्ते से कुछ सेकंड पहले बेचैन तार बेरहमी से दंडित किया गया था। इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकॉक ने एक दुर्लभ गलती की। 60-88 मैचों में गोल करने की उनकी पहली गलती, जब उनके खराब कॉलिनेस के कारण यूरी टाइनेमेस ने 11 मिनट के बाद बेल्जियम को आगे कर दिया। इवाना टोनी ने 6 मिनट बाद मौके से बराबरी का गोल करके इंग्लैंड में अपनी पहली शुरुआत की। अनुभवी जान वोडर्सन द्वारा गिराए जाने के बाद उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय खाता खोला। जॉर्डन बोवेना के एक्स क्लोज रेंज हेडर को ऑफसाइड के लिए खारिज कर दिया गया, इससे पहले कि इंग्लैंड की एक और गलती से बेल्जियम से ब्रेक से 9 मिनट पहले अपनी बढ़त बहाल कर ली। लुइस डाक की गलती ने रोमेलू लुकाकू को टाइनेमेस को सुंदर पोस्ट पर जाने के लिए सही क्रॉस प्रदान करने की अनुमति दी। 18 साल के कोबी मेनू ने इंग्लैंड की पहली बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन बेलिंगहम के लक्ष्य से दो बार चूकने के कारण इंग्लैंड के पास खुद के मौके थे, जबकि उसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था और फिल फोडेन ने अच्छी स्थिति में होने पर गोल के सामने डाई की थी। बेल्जियम के कीपर मेडस और सेल्स ने बोवन को अच्छी तरह से बचाया, इससे पहले कि बेलिंगहम ने अपनी पिछली गलतियों की भरपाई की, जब उन्होंने खेल के लगभग आखिरी किक के साथ इंग्लैंड को योग्य डोर दिलाने के लिए कम अंत में गोल किया।